दोस्तों, थिंक आई एस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम कुरुक्षेत्र मैगजीन पर चर्चा करेंगे। इस मैगजीन में हम देखेंगे सामाजिक सुरक्षा के बारे में और गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ कैसा हुआ उसके बारे में, टिकाऊ ग्रामीण आधारभूत ढांचा और गांव में इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर हम जोर देंगे। 6 राज्यों के 116 जिले में आगामी 125 दिनों में एक अभियान के तौर पर 50,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के चलते गांव में लौटने वाले प्रवासी कामगारों को रोजगार और आजीविका के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारम्भ किया। इसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित बड़ी संख्या में घर वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाना और अपने क्षेत्रों और गांवों में आजीविका के अवसर मुहैया कराना है। प्रधानमंत्री ने बिहार के खगड़िया जिले में तेलीहर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का शुभारम्भ किया। प्रवासी मजदूरों और कामगारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनका सशक्तिकरण, 6 राज्यों में गरीब कल्याण अभियान के क्रियान्वयन पर फोकस किया गया है, जिसमें बिहार राज्य है, जिसमें 32 जिले लिए गए हैं और 12 जिले आकांक्षी जिले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 31 जिले लिए गए हैं, जिसमें 5 जिले आकांक्षी जिले हैं। मध्य प्रदेश में 24 जिले लिए गए हैं और आकांक्षी जिले 4 हैं। राजस्थान में 22 जिले लिए गए हैं और 2 आकांक्षी जिले हैं। उड़ीसा में 4 जिले लिए गए हैं, 1 आकांक्षी जिला है। झारखंड में 3 जिले लिए गए हैं, 3 आकांक्षी जिले हैं और कुल टोटल जिले 116 हैं, जिसमें 27 आकांक्षी जिले हैं। 125 दिन का यह अभियान मिशन के रूप में काम करेगा, जिसमें 116 जिलों में से 25 जिलों के कार्यों और गतिविधियों के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित होगा, जिसमें 6 प्रवासी कामगारों पर ज़्यादा जोर होगा। श्री मोदी ने कहा कि 6 प्रवासी जिले बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा, इसमें लौटने वाले जो श्रमिक हैं, प्रवासी कामगार हैं, उन पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। श्री मोदी जी ने कहा कि इस अभियान के माध्यम से हमारा प्रयास यह है कि मजदूरों और कामगारों को उनके घर के निकट ही काम दिया जाए। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। प्रधानमंत्री ने बिहार के खगड़िया जिले में तेलीहर के ग्रामीणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया, जहां से औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने प्रवासियों से उनके रोजगार की वर्तमान स्थिति और लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धता के बारे में पूछा। श्री मोदी ने अपने संवाद के बाद संतुष्टि जाहिर की और संकेत दिए कि कैसे कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में भारत और पूरा ग्रामीण भारत मजबूती के साथ खड़ा रहा तथा कैसे इस संकट के दौर में पूरे देश और दुनिया को प्रेरणा दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीबों और प्रवासियों के कल्याण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही चिंतित रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें घर लौटने के इच्छुक प्रवासी कामगारों के लिए विशेष श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने इस दिन को रोजगार के माध्यम से गरीबों के कल्याण के लिए शुरू किए गए व्यापक अभियान के रूप में शुरू किया है। उन्होंने कहा, इस अभियान के माध्यम से हमारा प्रयास है कि मजदूरों और कामगारों को उनके घर के निकट ही काम मिले। यह अभियान हमारे मजदूर भाई बहनों और हमारे गांव में रह रहे युवा भाई बहनों और बेटियों के लिए सामाजिक अभियान है।